मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार 3 मई को गांव थाना व करा साहब में होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दोनों गांव का दौरा करके सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि 3 मई को मुख्यमंत्री इन गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे लोगों से सीधा संवाद करेंगे कि प्रदेश को किस तरह से और अधिक बेहतरी की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग अपनी समस्या रखना चाहते हैं वे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हर नागरिक को अपनी बात रखने का मंच दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व झांसा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन लोगों के बीपीएल कार्ड, फैमिली कार्ड, आईडी में त्रुटि के कारण कट गए हैं, वे अपनी आमदनी का प्रमाण पत्र पास के एएफएसओ कार्यालय में जमा करवाए। ऐसे लोगों को पिछला रुका हुआ राशन भी दिया जाएगा और नए सिरे से उनकी सेवा भी शुरू की जाएगी। सभी योग्य पात्रों को दोबारा फिर से जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि गांव झांसा में मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों के लिए स्वास्थ्य केंद्र के लिए 8 लाख रूपए, अनाज मंडी में 6 करोड़ 38 लाख से नवीनीकरण शुरू करने सहित कई घोषणाएं की है। देखिए, जनसंवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज झांसा में हुआ है और थाना में 3 तारीख को है और करा साहब में 3 तारीख को है। और इसमें जो झांसा का हुआ बहुत बढ़िया हुआ, उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है और अपनी जो लोकल समस्याएं हैं गांव को लेकर, एरिया को लेकर और भी जो चीज़ें थी वो सामने रखी और काफ़ी समस्याओं का इमीडिएटली उसका समाधान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कुछ जो समस्याएं ऐसी हैं जिसके ऊपर अधिकारियों का या विभाग का है पार्टिसिपेशन करके उनका काम को समस्या को दूर करने का, उनसे हार्ड कॉपी भी ले ली और उसे अच्छी तरीके से बात करके ऑफिसर्स को निर्देश भी दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा ये प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर हल्के में तीन चार गाँव में जाकर और लोगों की अपनी पर्सनल समस्या और उस एरिया के आसपास के जो सरपंच हैं या मुखिया हैं या कुछ मौजूद लोग हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने भी अपने एरिया की समस्याएं बताई हैं। कुछ समस्याएं जो हैं वो सार्वजनिक हैं, बहुत गांव की जैसे चीज़ें होती हैं जो एक गांव की नहीं कई गांव की एक जैसी होती हैं, तो ऐसी समस्याएँ भी सामने रखी हैं। तो मेरा सबसे अपील है कि अपना माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो एरिया के इस एरिया के जो मौजूद लोग हैं अगर उनके अच्छे काम हैं वो भी आकर बताएँ, जो कामों का निवारण करना है वो भी बताएं, जिससे कि इस एरिया का हम सब मिलकर आगे बढ़ें।